नमस्कार। देश के नामचीन हस्तियों के कामकाज की पड़ताल करती हमारी खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज टिबलेवाला आकाश। आज के अंक में हम आपको मिलवाएंगे देश के जाने माने उद्योगपति और फिक्की के पूर्व अध्यक्ष हर्षपति सिंघानिया जी से। देश के प्रमुख औद्योगिक घराने जेके ऑर्गेनाइजेशन की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले हर्षपति सिंघानिया जी के जीवन के तमाम अनछुए पहलुओं के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। सिंघानिया साहब, आपका स्वागत है हमारी इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप फिक्की के अध्यक्ष रहे हैं, भारत को एक औद्योगिक ताकत के रूप में किस तरह देखते हैं आप? मेरा मानना यह है मनोज जी कि भारत एक बहुत बुलंद और बड़ी औद्योगिक ताकत है और अगले करीब 30 वर्ष में आप देखिएगा कि ये और बढ़कर विश्व के सामने आएगा। आज अनुमान यह है कि आज जो हमारी जीडीपी करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर की है और अगर पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी पे भी लें करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। गोल्डमैन सैक्स ने भी फरवरी में रिपोर्ट निकाली थी इस वर्ष ही, उसमें उन्होंने अनुमान लगाया है कि 38 ट्रिलियन की जीडीपी हो जाएगी भारत की 2050 तक और ये विश्व में तीसरा लार्जेस्ट नेशन हो जाएगा। अगले 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ आप देखते हैं? मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ ग्रोथ अच्छी रहेगी। जैसा हमारे प्रधानमंत्री का सोचना है और हमारे इकोनॉमिस्ट का सोचना है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ पा सकते हैं। मुझे भरोसा है कि जो हमारी योजनाएं हैं अगर वो ठीक से इम्प्लीमेंट हों तो ये ज़रूर डबल डिजिट ग्रोथ सकारात्मक हो सकती है और इसमें हमारी खाली ग्रोथ नहीं होगी लेकिन जो हम चाहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसके संग हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं वो भी जुड़ सकें और इस इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा ले सकें, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 10 वर्षों में भारत काफ़ी चीज़ों में नई स्ट्रेंथ दिखाएगा। अभी तक विदेश में लोग भारत को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर जानते हैं, कुछ और इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी इस किस्म की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उसके कारण जानते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि अगले 10 वर्षों में 15 वर्षों में तमाम जैसे फार्मास्यूटिकल है, इंडिया आज के दिन लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है जेनेरिक ड्रग्स का, संग संग में आज एक छोटी गाड़ी या स्मॉल कार जिसको बोलते हैं उसके लिए एक इमर्जिंग विश्व में, तो इस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी हमारी सर्विसेज भी विश्व में ख्याति पाएंगी। आप ऑलरेडी ये चीज़ देख रहे हैं कि तमाम इंडियन कंपनीज़ आज विदेश जाकर अपना झंडा गाड़ रही हैं और खाली झंडा नहीं गाड़ रही हैं, वो जो वहाँ के उद्योग हैं, जो वहाँ की एंटरप्राइजेस हैं जो कभी लड़खड़ा रही थी उनको ठीक करके उनको एक हेल्दी रूप में सामने ला रही हैं। सिंघानिया साहब, आपने उद्योगों की तो बात की लेकिन बड़ा सवाल आज भी ये है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आगे बढ़ना है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें कृषि विकास दर को 4% तक ले जाना पड़ेगा। हम पिछड़ रहे हैं कृषि विकास दर के मामले में, क्या कहेंगे? ये आपने डिबलीवाल जी बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मेरा निजी मानना है और मैं जब फिक्की में
अध्यक्ष था, तो ये हम फिक्की की तरफ से भी इसको बहुत मानते थे कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ बिना ये डबल डिजिट या 10% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ हासिल नहीं हो पाएगी। जो मेजर इशू है वो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर की है। हमें अब दरकार है, जैसे पहले एक हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, अब हमें एक सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता है। महंगाई के मुद्दे पर आपका ध्यान खींचेंगे, एक बड़ा अहम मसला है महंगाई का। हर आदमी त्रस्त है, सड़क से लेकर संसद तक महंगाई की गूंज सुनाई देती है। सरकार की तरफ से महंगाई को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये पर्याप्त हैं? देखिए, सरकार ने अलग अलग कदम उठाए हैं, और जैसा मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया, कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स रहेंगे, वो ये रहेंगे जैसे आज के दिन कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाएं, कैसे हम ग्रेन को स्टोर करें जो सड़े नहीं, जिसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वहाँ तक पहुँच पाए, और संग संग में कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे आज के दिन हमारा मानसून जैसे अब आ रहा है और ठीक हो रहा है, तो इससे इन्फ्लेशन घटेगा, बेटर क्रॉप्स होंगे और वापस फिर अनाज के दाम कुछ मॉडरेट होंगे। लेकिन ये तो बात हो गई इस वर्ष की। हमें चिंता उसकी ज़्यादा है कि ये जब तक उत्पादकता नहीं बढ़ेगी या जब तक हमारे खाद्य पदार्थ का उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तब तक ये लॉन्ग टर्म में इसका हल नहीं निकलेगा। नहीं तो एक साल हम ठीक हो जाएंगे, फिर अगले वर्ष फिर समस्या सामने खड़ी हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि इस पे हमें ध्यान जो देना है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के ऊपर, एक परपेचुअल सोल्यूशन ढूंढना है, वो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि दीर्घकालिक हमें रणनीति बनानी होगी महंगाई के मोर्चे पर यदि सफलता पानी है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंघानिया साहब, भारतीय रिजर्व बैंक को क्या आपको लगता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की जो दर है इसमें बदलाव करना चाहिए? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि जो एक सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी, जब ये क्राइसिस हुई, ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ, तो भारत भी क्योंकि इंटीग्रेटेड है दुनिया से, तो उस पर भी असर पड़ा, वो निस्संदेह था। तो उस समय रिज़र्व बैंक ने एक सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, सरकार ने एक स्टिमुलस पैकेज इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने टैक्स घटाए वगैरह वगैरह। अब ये बात जाहिर है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आस्ते आस्ते अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर रहा है, यानी सॉफ्ट स्टांस की तरफ से हट कर, हार्ड तो नहीं कहूँगा बट एक कैलिब्रेटेड अप्रोच में, मॉडरेट स्टांस में जा रहा है। कुछ तो होना ज़रूरी था, ये हो नहीं सकता कि हमेशा के लिए ये स्टॉफ स्टांस रहे, लेकिन इसमें खाली जो एक गंभीरता की बात ये है कि इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ाने का संकेत तो किया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स जब तक मॉडरेशन में बढ़ें और उसके बाद स्टेबलाइज हों, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर अधिक बढ़ जाएगी तो उसके दो असर होंगे। एक असर तो ये होगा कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे हमारे यहाँ, जो नए इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें लोग फिर दोबारा सोचेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, क्योंकि फिर उन्हें रिटर्न मिल रही है कि नहीं। दूसरी तरफ जो हमारा कंज्यूमर डिमांड है, जो एक क्रेडिट अवेलेबिलिटी से और लोअर इंटरेस्ट रेट होने के कारण, जैसे आज लोग गाड़ी खरीद रहे हैं या वाइट गुड्स खरीद रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं, वो एक मॉडरेट इंटरेस्ट रेट होने के कारण ख़रीदते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट खास करके अकस्मात बढ़ जाएगी तो दोनों तरफ स्क्वीज आएगा, तो फिर ग्रोथ में फिर कुछ स्लो डाउन आ सकता है। लेकिन रिज़र्व बैंक ने जो अभी अप्रोच अपनाया है उससे ये लगता है कि बड़ा कैलिब्रेटेड या नपातोला हिसाब में रिज़र्व बैंक इसको इंटरेस्ट रेट चेंज करेगी, वो एक अच्छा मूव है। लेकिन हम उद्योग जगत से ये चाहते हैं कि ये इसमें स्टेबिलिटी रहे। और कैश रिजर्व रेशियो के बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब लिक्विडिटी से है। अगर आपको मेजर इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी का होना आवश्यक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक हमारी भारत की कमज़ोर कड़ी है, जिसके कारण हमारी ग्रोथ रेट
इसके बावजूद भी अगर यहाँ है तो आप सोचिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होगा तो और क्या हो सकती है। तो लिक्विडिटी का होना आवश्यक है, इसलिए जो रिज़र्व रेशियोज़ हैं और इस किस्म से लिक्विडिटी मेजर्स के जो जो भी टूल्स हैं ये समझ के अपनाए जाएं, उस वो ज़रूरी है। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सिंघानिया साहब से अब बातचीत जारी रहेगी। साइन वेव इन्वर्टर्स जिस पे देश करे भरोसा। पहले ना बोलते थे, ना देखते थे, ना सुनते थे, चुपचाप सहते थे। महात्मा गांधी नरेगा के साथ शुरू हुआ ग्राम सभा द्वारा आयोजित सोशल ऑडिट यानी जनता का खुला मंच। अब हम पूछते हैं अपने काम और मजदूरी से जुड़े सवाल, देखते हैं सरकारी कागज, बिल, मस्टर रोल और सुनते हैं जवाब अपने सवालों के। रोजगार गारंटी से जुड़ी हर शिकायत, हर सवाल पूछने का एक मंच सोशल ऑडिट। रोल नंबर 21 जी सर। रोल नंबर 22 जी सर। रोल नंबर 23 रोल नंबर 24 जी सर। रोल नंबर 25 रोल नंबर 26 जी सर। रोल नंबर 27 रोल नंबर 28 जी सर। रोल नंबर 29 रोल नंबर 30। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देश के जाने माने उद्योगपति हर्षपति सिंघानिया जी से। आपका समूह जेके पेपर लिमिटेड आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा पेपर उद्योग समूह है, लेकिन कागज उद्योग को आज की तारीख में पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह माना जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात जो समझते हैं लोग कि कागज़ जगत या कागज़ का बनाना पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि पहले होता था, लेकिन आज आप जो बड़ी पेपर मिलों को देखेंगे उसमें एनर्जी एफिशिएंसी है, वो पेपर मिल अपना ओन पावर जनरेट करती हैं बायोमास के द्वारा, उसमें केमिकल रिकवरी सिस्टम्स होते हैं। और पिछले 4-5 वर्षों में मेरा अनुमान ये होगा कि पेपर जगत ने, एटलीस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो पेपर जगत है, उसने करीबन 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया होगा एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करने, क्योंकि मीट तो करती थी, लेकिन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को और बढ़ाने में और टाइटन करने में। और ये पेपर इंडस्ट्री ने भारत सरकार के संग एक वॉलंट्री चार्टर साइन किया कि हम हर साल अपनी स्टैंडर्ड्स को फर्दर कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो जो पेपर जगत है वो इसके लिए बहुत कॉन्शियस है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये मानना गलत है कि हम जाकर कोई जंगल काटते हैं और लकड़ी ले आते हैं। हम लोग जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं ये हम लोग फार्मर्स यानी कृषि जगत को पेड़ पौधे देते हैं, उन्हें कहते हैं आप अपनी ज़मीन पर उन्हें उगाइए और जब ये बड़े हो जाएंगे हम इनको काट कर ले जाएंगे, लेकिन उसकी जगह दूसरे पौधे लगा देंगे, फिर पेड़ पौधे लगा देंगे। और अगर हम ये 7 साल का एक साइकिल माने तो हर समय 6/7 रोटेशन में ग्रीन कवर में रहता है, 1/7 ही कटता है और फिर अगले साल फिर वो बढ़ जाता है। तो ये एक सस्टेनेबल रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है। संग संग में एक मैं आपको और मनोज जी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम लोग बात करते हैं कि कागज़ जो है इतने पेड़ कटते हैं, ऐसे होता है तो कागज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज ईमेल में आप देखते हैं प्लीज़ डोंट प्रिंट, सेव ट्रीज़। एक तरफ बात ठीक है, लेकिन मैंने पेड़ की बात बताई, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। दूसरी तरफ जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करते हैं, सेलफोन हैं, कंप्यूटर्स हैं, इसका आज के दिन वेस्ट या पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट जिसको कहते हैं, ये वर्ल्ड ओवर इसकी समस्या है रिसाइकलिंग की। आज के दिन ये जाकर डंप हो रहा है,
तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। उसके अलावा उसके संग में और भी एनर्जी कंजम्पशन होता है उसकी वेव्स में एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर आप टोटल साइकिल देखेंगे, इस पर एक आर्टिकल है, मैं खाली अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, मनगढ़ंत बात नहीं है, इस पर एक आर्टिकल है जो एक विदेशी मैगजीन ने पब्लिश किया है कि आर पिक्सल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रीनर, और उसने कंक्लूड किया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगर आप पूरा लाइफ साइकिल एनालिसिस करेंगे तो वो कागज़ के तुलना में ज़्यादा ग्रीन नहीं है। ये तो ही आपके पेपर उद्योग की बात। पेपर उद्योग के अलावा आपका जेके ऑर्गेनाइजेशन और किन किन क्षेत्रों में सक्रिय है? देखिए, पेपर एक हमारी बहुत पुरानी बिजनेस है जो 1938 में शुरू हुई थी। इसके अलावा हमारे और जो मेजर कार्य हैं, टायर्स हैं, हम 1976-77 में सबसे पहली कंपनी थे जिन्होंने स्टील बेल्टेड रेडियल टायर हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया। हम लोग सीमेंट में हैं और नॉर्थ इंडिया में हमारी बहुत बड़ी प्रेजेंस है सीमेंट में। हम लोग रेडी मिक्स कंक्रीट भी बनाते हैं। हम लोग का टायर में भी आज मार्केट शेयर जो है वो ट्रक और बस रेडियल में करीब 70% है। इसके अलावा हमारी कुछ एग्री बिजनेसेस हैं, हम लोग हाइब्रिड सीड्स में हैं, हम लोग शक्कर के धंधे में हैं, हम लोग डेयरी या दूध के पदार्थ बनाते हैं। एक हमारी और बिजनेस है जिसमें हम लोग वी बेल्ट्स, ऑयल सील्स, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स और इस किस्म के रबड़ के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हाल में हम लोगों ने अभी एक क्लिनिकल रिसर्च का भी काम शुरू किया है। तो इस किस्म से हमारा ग्रुप काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और जहाँ जहाँ हम लोग नई अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं उस तरफ हम लोग बढ़ना चाहते हैं। सक्रिय है आपका समूह। भारतीय कंपनियां विदेशों में भी अपने झंडे गाड़ रही हैं, अपने परचम लहरा रही हैं, आपकी कंपनी की भविष्य की क्या योजनाएं हैं? हमने भी ऐसा कुछ काम किया है। करीबन 2-2.5 साल पहले हमने मैक्सिको में एक टायर कंपनी खरीदी जिसके 3 प्लांट हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने 1 साल के अंदर ही उस कंपनी में जिसमें नुकसान था उसको शुद्ध लाभ पर हम ले आए। क्या रणनीति अपनाई, क्या तरीका था कि घाटे में चल रही कंपनी को जब आपने अधिग्रहित किया तो मुनाफे में आ गई? देखिए, हम लोगों ने एक तो ये किया, आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने यहाँ से केवल 4 या 5 सीनियर लोग भेजे, बाकी के सारे लोग हम लोगों ने लोकल जो थे उन्हीं को इस्तेमाल किया। हम लोगों ने लेकिन काफ़ी एम्फेसिस दिया देखने के लिए कि सिस्टम्स और कंट्रोल्स अच्छे रहें। हम लोगों ने प्रोडक्शन और उत्पादन वहाँ बढ़ाया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। हम लोग कस्टमर से मिले और समझने की चेष्टा की क्यों नहीं वो ख़रीद रहे थे। तो इस किस्म से तमाम चीज़ें हम लोगों ने करी उसके अंदर में, जो कुछ स्ट्रेटिजिक थी, कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की थी, कुछ जहाँ फजूल खर्चे थे उनको काटने का काम था, और कस्टमर्स के संग मिलजुल कर हमने उनसे कहा कि हम आप जो चाहते हैं हम आपको डिलीवर करेंगे। और हम खास जो आपने पूछा इसकी खास बात ये थी, जब जो लोकल वर्कफोर्स थी उसको ये भरोसा हुआ कि ये हिंदुस्तानी कंपनी आकर मेरे ऊपर कोई थ्रेट नहीं है मेरे लिए या हमें नहीं निकाल बाहर करेगी और अपने आदमी ले आएगी, तब उन्हें भरोसा हुआ। सिंघानिया साहब, ऐसा सुनने में आता है कि फिक्की, CII और एसोचैम जैसे औद्योगिक संगठन सिर्फ बड़े औद्योगिक घरानों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? कदापि नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये जो नेशनल लेवल के चैम्बर्स हैं ये केवल बड़े उद्योग की बात करते हैं। मैं अपने निजी एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, छोटे उद्योग समूह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन औद्योगिक संगठनों से जुड़ें, फिक्की से, CII से, एसोचैम से, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, एक तो ये दो तरफा मसला है। एक तो पहले मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो चैम्बर हैं, बड़े चैम्बर्स, उनको इनके तरफ ध्यान देना चाहिए और इनकी समस्याओं को समझने के लिए समय देना चाहिए
और उनकी तरफ पहुंचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो छोटे उद्योग हैं उनको भी बिना डरे सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि देखिए ये समस्याएं, ये कठिनाई हमारे सामने हैं, आप ये बात हमारी सरकार तक रखिए। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सिंघानिया साहब से यह बातचीत जारी रहेगी। अल्पसंख्यकों को मिल रहे हैं आगे बढ़ने के अवसर, आइए इसका लाभ उठाएं। आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। पिछले 3 सालों में 4 करोड़ से भी ज्यादा ग्रामीण परिवारों को मिला रोजगार। भारत के 619 जिलों को पहुंचा लाभ। कम हुआ मजदूरों का पलायन, महिलाओं का हुआ आर्थिक सशक्तिकरण, और जिससे मिला ग्रामीणों को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार। 100 दिनों की रोजगार गारंटी है, खुशियों की गारंटी, ये हम नहीं जमाना कहता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देश के जाने माने उद्योगपति हर्षपति सिंघानिया जी से। सिंघानिया साहब, सरकार अप्रैल से GST को लागू करने की देश भर में सोच रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी कई राज्य अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ आपत्तियां जता रहे हैं। असल पेंच आपको क्या नजर आता है? देखिए, कुछ तो इसमें मामले हैं, क्योंकि GST एक बिल्कुल नई चीज़ है और हमारे यहाँ इतने सारे टैक्सेस या कर हैं, उनको सबको एक तरीके से एक टैक्स में बदल देना आसान बात नहीं है। हर आदमी की अलग अलग मांग है, उद्योग जगत की भी मांग है, सरकार भी, जो केंद्रीय सरकार हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू लॉस ना हो, तो हर किस्म की चीज़ें हैं। तो कुछ तो समझ बूझ के बैठने की, संघ में बात करने की बात है। मेरा मानना यह है कि GST अगर लागू होता है तो इसमें सबका ही फायदा होगा। DIPP ने सुझाव दिया है कि प्राइवेट कंपनियों में भी SC ST का कोटा होना चाहिए। देखिए, उद्योग जगत को SC ST के एम्प्लॉयमेंट से कोई इशू नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, कोई इशू नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। उद्योग जगत का खाली ये कहना रहा है कि आप इसको मैंडेटरी ना करें, आप इसको वॉलंटरी बेसिस पर, एक जिसको अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, उस बेसिस पर आप रखिए। देश भर के प्राइवेट सेक्टर में प्रशिक्षित मैन पावर की बड़ी कमी है, प्रधानमंत्री तक इस पर चिंता जता चुके हैं। देखिए, स्किल्ड मैन पावर या अप्रोप्रिएटली स्किल्ड मैन पावर मैं कहूँगा, इसका अभाव इसलिए है क्योंकि बहुत बार अभी तक हमने एम्फेसिस जो दिया है वो बेसिक एजुकेशन पर दिया है। पहले ये थिंकिंग थी कि एक कोई आदमी मैट्रिकुलेट हो जाए या ग्रेजुएट हो जाए, उसकी नौकरी पक्की है। आज के ज़माने में खाली उसकी आवश्यकता नहीं है, आज के ज़माने में दरकार है जिस किस्म के काम हम लोग डेवलप कर रहे हैं वैसे स्किल्स होना। तो इसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है, उसकी अहमियत होनी पड़ेगी। सिंघानिया साहब, एक समय वह था जब कानपुर को एशिया के प्रमुख औद्योगिक शहरों में गिना जाता था। ऐसा माना जाता है कि कानपुर में औद्योगिक माहौल को बढ़ावा देने में आपके पूर्वजों का बड़ा योगदान रहा है। कैसे याद करते हैं अपने पूर्वजों के इस योगदान को? कानपुर से ही हमारा JK समूह उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, बढ़ा। मेरे परदादा लाला कमलापत जी ने वहाँ पर कॉटन मिल बैठाई
उन्होंने हमारे भारतीय स्वराज के या फ्रीडम मूवमेंट के संग जुड़कर उन्होंने काम किया। उन्होंने गांधी जी की एक ललकार पर आकर अपना जितना विदेशी कपड़ा था, पहले विदेशी कपड़े का ट्रेड करते थे, वो उन्होंने जला दिया और कानपुर में तिरंगा झंडा लेकर वो एक जुलूस लेकर चले, जो कहते हैं हिस्ट्री में सबसे लंबा था, कानपुर में 3 मील लंबा जुलूस था। तो इस किस्म से लगाव रहा है हमारा। और फिर हमारे जितने दादा या ग्रैंडफादर के जनरेशन था, उन्होंने वहाँ से काम बढ़ाया, अलग अलग चीज़ की, फिर हिंदुस्तान भर में उसको फैलाया। और जैसे मेरा नेक्स्ट जनरेशन, मेरे पिताजी, मेरे चाचा ताऊ, उनका जन्म भी कानपुर का है, तो लगाव तो परिवार का है ही। सिंघानिया साहब, थोड़ी सी निजी बातें करेंगे। आपके बारे में सुन रखा है कि कला के क्षेत्र में आपको विशेष रुचि है, बिजनेस के अलावा अपने कुछ और पसंद के बारे में बताइए हमें। मैं अक्सर बिजनेस को एक तरफ रखता हूँ और बाकी पर्सनल रुचि को दूसरी तरफ। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं, आपने ठीक सुना कि कुछ कला की तरफ मेरी रुचि है, मेरी और मेरी पत्नी की दोनों की है। तो हर किस्म की कला, चाहे चित्रकला कहिए, चाहे म्यूज़िक प्रोग्राम है, इस किस्म की चीज़ है। इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत कभी गोल्फ़ खेल लेता हूँ, उसमें भी। फिटनेस का राज क्या गोल्फ है? नहीं, फिटनेस का राज तो मेरे हिसाब से कुदरती देन है, भगवान की बहुत कृपा है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, एक ज़रूर सीरियस नोट पर कहूँगा कि मैं कोई डाइटिंग नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से खाने पीने पे अगर थोड़ा सा मनुष्य कंट्रोल रख सके तो जाकर शायद काम ही आता है उसे। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि एक तो उद्योगपति होने के नाते मैं ज़रूर इसका विश्वास करता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो हमारे देश में। लेकिन इसके संग संग मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे जो वर्ग छूट गए हैं, जो हमारे भाई बहन, जो हमारे आपके जैसे, हमारे जैसे नसीबवान आप कहिए, फॉर्चुनेट कहिए, नहीं हैं, उनको हम उनका जीवन स्तर बढ़ाएं। तो ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के संग संग हम चाहते हैं कि उनका फ़ायदा भी हो। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप समाज के सबसे निचले तबके के बारे में सोचते हैं, आपकी अच्छी सोच को प्रदर्शित करता है। आपका रोल मॉडल कौन है? हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे से बड़े हैं, मेरे पिताजी का जनरेशन है, क्योंकि मैंने देखा है उन्हें मेहनत करते हुए सुबह से शाम, हमने वही सीखा। मैंने देखा है उन्हें मुश्किल से मुश्किल चीज़ों के संग संघर्ष करते हुए। और मैंने ये सीखा है कि चाहे कोई भी समस्या आए, उसमें उस समय आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। हम देख रहे हैं तमाम उद्योगपति राज्यसभा की तरफ रुख करते हैं, आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा? मैंने कभी सोचा भी नहीं, ना मैं ये सोचता हूँ कि मेरी अभी उसके बारे में सोचने की उम्र भी हुई है। अंत में आप हमें बता दीजिए कि हर्षपति सिंघानिया जी इंसान कैसे हैं? ये तो आप और आपके दर्शक ही बताएंगे। मैं तो समझता हूँ कि मैं एक तरीके से सरल इंसान हूँ, लेकिन हर आदमी ऐसा सोचता है। ये तो जो आपके दर्शक हैं, हमारे संग काम करने वाले जितने लोग हैं और घर वाले भी हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी सरल इंसान है, बातचीत से तो हमें यही पता लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघानिया साहब हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे देश के जाने माने उद्योगपति हर्षपति सिंघानिया जी, जिन्होंने तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। सिंघानिया साहब ने साफ कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है। बस जरूरत इस बात की है कि हमें इस रफ्तार को आगे भी बरकरार रखना होगा। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय अपनी खास पड़ताल एक मुलाकात में देश की एक और नामचीन शख्सियत के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।